जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल कि लब आजाद है तेरे, न्यूज क्लिक पर मेरे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं बोल किला आजाद है तेरे, मैं अभिसार शर्मा। मैं आज आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, क्या इस देश में लव जिहाद सबसे बड़ी समस्या है? क्या इस देश में महिला सम्मान, महिला सुरक्षा, किसानों की समस्या, बेरोजगारी, ये तमाम मुद्दों का समाधान हो गया है कि अब हमारा पूरा फोकस जो है वो लव जिहाद पर होगा? क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए हिंदू महिलाओं का सम्मान सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने का मुद्दा है? क्या वाकई हिंदू महिलाओं के सम्मान जो है वो मायने रखता है बीजेपी के लिए, या सिर्फ आप उस पर राजनीति करना जानते हैं? आज ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं दोस्तों, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की कई सरकारें अपने अपने राज्यों में लव जिहाद पर विधेयक लाने वाली है। आज मैं आपको बतलाने वाला हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए यह मुद्दा सिवाय सियासत के कुछ नहीं है, उल्टा आज तक भारतीय जनता पार्टी लव जिहाद के मुद्दे पर कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं दे पाई है। उल्टा इन्होंने ही इसके उलट प्रमाण दिया है कि लव जिहाद नाम की कोई चीज नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार लव जिहाद पर एक विधेयक लाने वाली है। सबसे पहले मैं आपको उनके मुख्य बिंदु बताना चाहूंगा जो आपकी स्क्रीन पर एक के बाद एक आने वाले हैं। ये लागू होगा उन मामलों में जहां प्रलोभन से, बहकावे में, जबरदस्ती से किसी लड़की की शादी किसी मुसलमान से करा दी गई हो। इसमें 5 साल के कठोर कारावास की सजा का प्रावधान है। गैर जमानती भी किया जा सकता है। मां बाप भाई बहन की शिकायत पर मामला दर्ज होगा। शादी को ऐसी सूरत में नल एंड वॉइड यानी अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। सहयोग देने वाले लोगों पर भी कठोर कार्रवाई होगी। शादी के लिए अगर कोई धर्म परिवर्तन कराएगा तो उसे जिला अधिकारी को 1 महीने का नोटिस देना होगा। तो भारतीय जनता पार्टी लव जिहाद को एक बहुत बड़ी पैंडेमिक के तौर पर देख रही है, एक बहुत बड़ी महामारी के तौर पर देख रही है। यानी कि इतनी बड़ी समस्या है कि हिंदू महिलाएं जो है हमारी बेचारी दर दर दौड़ रही हैं, भाग रही हैं और उन पर अत्याचार कर रहे हैं मुसलमान युवा। कम से कम हमारे राजनेताओं की माने तो ऐसा ही कुछ हो रहा है। अब मैं आपके सामने कुछ तथ्य पेश करना चाहूंगा। क्या आप जानते हैं कि संसद के अंदर बीजेपी सरकार ने कहा था कि लव जिहाद नाम की कोई चीज नहीं है? आपकी स्क्रीन्स पर देयर इज नो केस ऑफ लव जिहाद इन केरला, द सेंटर सेड इन पार्लियामेंट ऑन ट्यूजडे इन रिस्पॉन्स टू अ क्वेश्चन अबाउट वेदर द गवर्नमेंट वॉज अवेयर ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ द केरला हाईकोर्ट ऑन द इश्यू। The Union Ministry of Home Affairs made the remarks in reply to a question by Congress leader from Kerala, Benny, whether any of the central agencies have reported any case of love jihad from Kerala. Aage, Kendra Sarkar kya kehti hai? The term love jihad is not defined under the extant laws. No such case, is baat par gaur kijiyega. No such case of love jihad has been reported by any of the central agency. Ye baat koi aur nahi, balki स्टेट होम मिनिस्टर जी किशन रेड्डी ने संसद के अंदर कही। संसद जो कि लोकतंत्र का मंदिर है, कम से कम अब तक तो था ही, उन्होंने कहा है कि लव जिहाद जैसी कोई चीज नहीं है। कौन? खुद गृह मंत्रालय कह रहा है। अब गृह मंत्रालय संसद के अंदर मजाक तो करेगा नहीं ना, पर उन्होंने ये कहा है। अब मैं आपसे समझना चाहता हूं कि क्या वाकई लव जिहाद इतनी बड़ी समस्या है कि आप उस पर विधेयक लेकर आ रहे हैं, कि आप प्यार पर पहरा कर रहे हैं? मैं आपसे एक चीज बोलना चाहता हूं, देखिए, ऐसा कहकर ना या ऐसा करके आप हिंदू लड़कियों का अपमान कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब आप यह कहते हैं ना कि लड़कियों को बहलाया जा सकता है, फुसलाया जा सकता है, तब आप यह मान के चल रही हैं कि उन लड़कियों की कोई अक्ल नहीं है। देखिए, मैं एक बात आपको स्पष्ट कर दूं कि अगर वाकई लव जिहाद नाम की कोई चीज है, या क्योंकि अब तक भारतीय जनता पार्टी इसका कोई प्रमाण नहीं दे पाई, तो इससे बड़ा कोई अपराध नहीं हो सकता कि एक लड़की की मर्जी के खिलाफ उससे शादी की जाए और उसके बाद उसे परेशान किया जाए। फिर 5 साल ही क्यों, आप ताउम्र उस लड़के को जेल में रखिए, उससे बड़ा कोई अपराध नहीं हो सकता है। मगर यह ना भूलिए कि शादी के बाद अत्याचार सिर्फ कोई मुसलमान लड़का किसी हिंदू लड़की के साथ नहीं करेगा। यह मुझे आपको बतलाने की जरूरत नहीं है कि दहेज नाम की प्रथा किस
धर्म से जुड़ी हुई है और दहेज के चलते कितनी लड़कियों को जला दिया गया वो किस धर्म से आती हैं। अगर आपको महिला सम्मान की परवाह है तो कम से कम इन चीजों पर ध्यान रखिए। अब कुछ और तथ्यों की बात करना चाहता हूं। क्या आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में लव जिहाद के मामलों की जांच की थी और आपके सामने जो स्क्रीन्स है कोई प्रमाण नहीं मिल पाए। उन्होंने 14 मामले उनके सामने थे, 14 मामलों से में से आधे की जांच उत्तर प्रदेश सरकार की SIT ने इसकी जांच की थी। 14 में से 7 मामलों में इनमें से कोई भी मामला लव जिहाद का नहीं पाया गया, यानी कि लड़की को बहला फुसला के उसका धर्म परिवर्तन करा के या उस पर अत्याचार किया गया। ये मेरे शब्द नहीं है, ये उत्तर प्रदेश SIT के शब्द हैं। और जो बाकी 7 मामले थे उनमें से 3 की जांच NDTV ने की और वो भी वही पाए गए कि लड़की अपनी रजामंदी से उसने लड़के के साथ शादी की थी। हां, एक मामला था जहां दोनों के संबंध खराब हो गए और वो अपने अलग अलग रास्ते चले गए, मगर वो तो दो हिंदुओं के बीच भी हो सकता है, दो मुसलमानों के बीच हो सकता है। तो ऐसे में उसे लव जिहाद का नाम देना कितना सही है। और हम उस राज्य की बात यानी कि उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं जहां माननीय मुख्यमंत्री ने हाल ही में एक चुनावी सभा में कहा था कि जो लव जिहाद करेगा उसका राम नाम सत्य कर दिया जाएगा। हालांकि आप ही की SIT ने यह बता दिया है कि लव जिहाद नाम की कोई चीज नहीं, उसके कोई प्रमाण नहीं है। जैसे मैंने कहा ना, ये मेरे शब्द नहीं है, ये आप ही के SIT के शब्द हैं। और इसी तरह की जांच 2014 में भी हुई थी। क्योंकि देखिए, उत्तर प्रदेश में भी क्या हुआ था, शालिनी यादव का मामला आया था और उस मामले में शालिनी के मामले की शिकायत उसी की मां ने की थी और जितने भी आरोप उसकी मां ने लगाए थे सब गलत साबित हुए। खुद शालिनी सामने उभर कर आई थी और शालिनी ने कहा था कि नहीं, मैं अपनी मर्जी से मैंने शादी की है और मुझे मोहब्बत हो गई और उसके बाद हमने शादी की। वो कहा है ना किसी ने, इश्क पर जोर नहीं, ये बात आपको समझनी होगी। देखिए, इन लोगों का बस चले ना दोस्तों, तो ये लोगों को प्यार ही करना से मना कर दें, प्यार पर ही ये लोग पाबंदी लगा दें, भूल जाइए हिंदू लड़की मुसलमान लड़का या मुसलमान लड़की हिंदू लड़का, नहीं, इनको प्यार पर ही आपत्ति है। ये अंदर से इतने खोखले हैं, ये अंदर से इतने दुखी हैं कि इन्हें प्यार पर ही आपत्ति है। मैं आपको बाकायदा बता रहा हूं दोस्तों, प्रमाण, पूरे प्रमाण मैं आपको बता रहा हूं और इसमें यह बात स्पष्ट हो जाती है कि कहीं पर भी लव जिहाद का मामला भारतीय जनता पार्टी साबित नहीं कर पाई। मैंने आपको पार्लियामेंट का बयान बताया BJP का, मैंने आपको उत्तर प्रदेश की खुद की जांच बताई और दोनों मामलों में कहीं साबित नहीं हो पाया। अब इसी से जुड़े मेरे कुछ सवाल हैं यहां पर। पहला सवाल, क्या हुआ एंटी रोमियो स्क्वाड का? क्योंकि देखिए, एंटी रोमियो स्क्वाड की बात की गई थी कि महिला सम्मान की रक्षा की जाएगी, तमाम चीजें होंगी, मगर आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में हाथरस जैसी घटनाएं होती हैं, लड़की के साथ कथित दुष्कर्म होता है, फिर उसे जिंदा जला दिया जाता है। कल ही बुलंदशहर में एक लड़की को जिंदा जला दिया गया। दूसरा सवाल, उससे लड़कियों के साथ छेड़खानी क्यों नहीं रुकी, अपराध क्यों नहीं रुके? फिर भी तीसरा सवाल, फिर भी हाथरस जैसी घटनाएं क्यों होती हैं जहां एक लड़की के साथ कथित दुष्कर्म और फिर उसकी हत्या कर दी जाती है, इसके बाद और फिर रातों रात उस लड़की का शव आग के हवाले कर दिया जाता है? आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं? यह मेरा आपसे सवाल है। मैंने आपको संसद के अंदर BJP सरकार ने क्या बयान दिया था उसका जिक्र किया, उत्तर प्रदेश की SIT ने जो जांच की थी वो मैं आपके सामने लेकर आया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि कर्नाटक में जो जांच हुई थी CID की, उसके निष्कर्ष क्या सामने आए हैं और वो भी लव जिहाद के मुद्दे पर, उनका क्या बयान है वो सुनिए। इन द इंटरिम रिपोर्ट CID सेड There seems to be no prima facie evidence of love jihad. Siljaraj has married Asghar out of her own volition. यानी कि अपनी मर्जी से उस लड़की ने उस मुसलमान लड़के से शादी की और लव जिहाद के कोई प्रमाण यहां मौजूद नहीं है। यह किसी और ने नहीं बल्कि कर्नाटक के CID ने दिया है। और मैं फिर कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों को सिर्फ सियासी कारणों से उठा रही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि वो जानती है कि लव जिहाद का कोई इक्का दुक्का मामला सामने आ जाएगा, मगर लव जिहाद पर आप जैसे ही विधेयक लाएंगे तो आपको छप्पर फाड़ वोट्स मिलेंगे। क्योंकि सबसे आसान तरीका है वोट्स लेने का कि अगर आप वोटर को हिंदू मुस्लिम में बांट दें, क्योंकि धर्म के सामने आपकी जातीय पहचान भी अक्सर बौनी पड़ जाती है। और लव जिहाद को लेकर आप एक
डर एक खौफ जो है आम जनता में पैदा कर दें। कितना आसान है ना। मैं आपसे बोलना चाहता हूं दोस्तों, हमारी लड़कियों की क्या हकीकत है ना, ये अगर आपको जानना है तो हाथरस की उस गुड़िया को देखें। रातों रात उसका शव जला दिया गया था, मौत के बाद भी उसे गरिमा नहीं मिली थी। यह है इस देश की लड़की की असली हकीकत। सोचिएगा मेरी इस बात पे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।